किसकी मीडिया, गोदी मीडिया या फिर गुलाम मीडिया? आज आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपने तो गोदी मीडिया का नाम खूब सुना होगा सोशल साइट्स पर या फिर अन्य जगहों पर, गोदी मीडिया। लेकिन आज एक नया नाम मैं आपको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, गुलाम मीडिया, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से एक नाम तो दिया गया था दरबारी मीडिया का, लेकिन दरबारी मीडिया का नाम इतना उपयुक्त नहीं था कि लोग समझ नहीं पाते थे कि दरबारी मीडिया का मतलब क्या होता है। उसी दरबारी मीडिया को मैं आज गुलाम मीडिया के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। दरअसल आप अक्सर सुनते होंगे कि इस देश में 2-3 चैनल्स ऐसे हैं जिन्हें गोदी मीडिया का टैग दिया गया है। लेकिन अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस देश में तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं, वो गोदी मीडिया नहीं है। और ये नाम किसने दिया है? कांग्रेसियों ने, या फिर जो कांग्रेस के लोग हैं या फिर जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने भी इस नाम को दिया है कि 2-3 मीडिया चैनल्स को गोदी मीडिया का टैग दे दिया है। यानी कि उनका ऐसा मानना है, उन कांग्रेसियों या कांग्रेस के लोगों का, कि सिर्फ 2-3 चैनल ही गोदी मीडिया है। इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि बाकी का जो बचा हुआ चैनल है वो गुलाम मीडिया है। क्योंकि हमारे देश में एक सिस्टम है कि कांग्रेस या जो विपक्ष है वो कुछ भी इस देश में करे, वो उसका आजादी यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तब उन्हें जलन सी होने लगती है और वो फिर उसको अलग अंदाज में, अलग भाषा में अलग नाम दे देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि गोदी मीडिया 2-3 लोग चैनलों को नाम दिया गया है। इसका मतलब कि बाकी जो मीडिया है वो उनके मन की बातें करती है। गोदी मीडिया ने उन्हें नाम क्यों दिया? क्योंकि मोदी सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम को दिखाना, उसको बताना और लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करना गोदी मीडिया कहलाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो सच है क्या सच को नहीं दिखाना चाहिए? लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा ही है। एक दरबारी मीडिया जिसे मैं गुलाम मीडिया कह रहा हूँ, वो लंबे समय से चरण वंदना करती आ रही है, सिर्फ एक पार्टी की। चरण वंदना करते रहो, चरण वंदना करते रहो, और चरण वंदना करते करते वो चटुरे हो गए। चरण चटुरे, चरणों को चाटने वाले। यानी कि आपने ये भी दौर देखा होगा जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, तो देश में एक माहौल बनाया गया था इनटॉलरेंस का, असहिष्णुता का, यानी कि देश में असहिष्णुता हो गई, अब तो देश में रहने के लायक ही नहीं है। और वो असहिष्णुता का जब माहौल बनाया गया था तो उस दौरान बहुत सारे दरबारियों ने, जिन्हें गुलामी की वजह से पुरस्कार दिया गया था, उन्होंने क्या किया, उस पुरस्कार यानी उस अवार्ड को वापस करना शुरू कर दिया। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि देश में कोई अवार्ड जो वापस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि पहले जो अवार्ड मिलते थे वो बड़े बड़े लोगों को, रसूखदार लोगों को या पहुंच रखने वालों को मिलते थे। यानी जो जितनी उनकी वंदना करेगा, जो जितनी उनकी तारीफ करेगा, उनको उतना बड़ा अवार्ड मिलता था। और जब मोदी सरकार आई तो भैया उनके ऊपर बनाया गया बोझ, दबाव, कि देखो आपको जो अवार्ड मिला है वो आपके काम का नहीं, आपकी वंदना, जो आपने वंदना किया है उस वंदना का मिला है, जो आपने हमारी महिमा मंडन किया 70 सालों से, ये उसका अवार्ड है। तो अवार्ड तो हमने दिया है तो इसको आप वापस भी कर दीजिए। यानी जबरदस्ती का दिया हुआ अवार्ड जबरदस्ती उसको वापस करवा दिया गया। आज देश में कोई भी व्यक्ति अवार्ड वापस नहीं कर रहा है, क्योंकि आज अवार्ड उसको मिल रहा है जो अवार्ड के लायक है, जो अवार्ड का हकदार है। तो भैया सीधी सी बात है, जो अवार्ड का हकदार है, जो पुरस्कारों का हकदार है, जो मेहनत करके उस पुरस्कार को हासिल कर रहा है, वो पुरस्कार वापस क्यों करेगा? वो दौर होता था कि जब आप जितनी बड़ी गुलामी करेंगे, जितना बड़ा आप उनके महिमा मंडन करेंगे, उनकी बुराइयों पर आप बात नहीं करेंगे, आप उतने योग्य समझदार मीडिया कहलाएंगे। और इस देश की मीडिया में आपने कुछ ऐसे चैनल्स भी देखे होंगे जो कि जितने दिन भर में यानी 24 आवर्स में जितना विज्ञापन नहीं देते हैं, जितना वो अपना खबरें नहीं दिखाते हैं, उससे भी 100 गुना ज़्यादा वो बेचारे चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कहते हैं कि गोदी मीडिया। इसका मतलब वो ये मानते हैं कि वो गुलाम मीडिया हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि मोदी की बात करना गोदी मीडिया कहलाता है, तो उन गुलामों को ये भी तो लगना चाहिए कि तुम भाई तो तुम किसके मीडिया हुए, गुलाम मीडिया हुए। अगर तुम गुलाम होते नहीं तो मान लो कोई मीडिया अगर एक पार्टी का पक्ष ले रही है,
तो तुम्हारा काम क्या है, अपनी खबरें दिखाना और अपनी खबरों को बताना। लेकिन आप क्या करते हो, पूरे दिन एक पार्टी का एजेंडा बन जाते हो और गोदी मीडिया, यानी तुम दलाल मीडिया हो, गुलाम मीडिया हो। एक ऐसे साहब हैं जिनका मैं ना तो नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि नाम लेने के काबिल ही नहीं है। मतलब आप ये कह लीजिए कि जो आपका कुत्ता होता है आपकी रोटी खा करके भी वो वफादार बन जाता है। यानी आपने अगर इस देश की रोटी खाया है तो आपको इस देश का वफादार बनना है, ना कि उस पार्टी का जिसने आपके लिए टुकड़े फेंके हो। और उस साहब का पूरे दिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना तो उस चैनल का, ना ही उस व्यक्ति का, क्योंकि उसके काबिल ही नहीं है। पूरे दिन एक ही बात करेगा, जितना वो ब्रेक नहीं लेंगे वो व्यक्ति, जितना वो पूरे दिन में ब्रेक नहीं आता होगा, जितनी वो खबरें नहीं दिखाते होंगे, उससे ज्यादा वो गोदी मीडिया चिल्लाते हैं। तो साहब बात तो ये भी है ना कि अगर सच दिखाना या किसी के किए गए कामों को बताना गोदी मीडिया है, तो आप किसकी मीडिया हो? दरबारी मीडिया, गुलाम मीडिया? गुलाम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई कुछ दिखाई देता ही नहीं। वो मैंने आपसे भी कहा था कि मैंने एक वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आपसे बताया है कि किस तरीके से जब शाह सऊद सऊदी अरब का राजा आता है भारत में और 17 दिनों की यात्रा पर भारत में रहता है, तो काशी यानी बनारस के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को ढकवा दिया जाता है, ताकि उस जो राजा है उसको मंदिर ना दिखाई दें। जिस कांग्रेसियों ने एक राजा को खुश करने के लिए देश के मंदिरों पर पर्दे डलवा दिए, वो पार्टी कहती है कि भारत के लोग, यानी बीजेपी के लोग, वो पार्टी ये कहती है बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत की राजनीति करते हैं, और उनके गुलाम मानसिकता वाले लोग भी ऐसे ही हैं जो उस पार्टी की बातें बड़ी आसानी से मान लेते हैं। लेकिन उन गुलामों को ये नहीं दिखाई देता है कि साहब अगर बीजेपी इतनी दर्शन की राजनीति करती, इतनी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती, तो मुझे आप एक बात बताओ, तो कांग्रेस सरकार ने कौन सा इतना बड़ा अच्छा काम किया था जिसने मंदिरों को ढकवा दिया था? मैंने कहा ना, हिंदू मुसलमान की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गुलाम मानसिकता लिए पैदा हुए हैं, यानी गुलामों से कह दिया गया कि हमने ये किया तो गुलाम कहते हैं हाँ हाँ इन्होंने ये किया। अरे गुलामों कभी अपना भी दिमाग लगाओ कि अगर बीजेपी ने हिंदू मुसलमान किया तो फिर उस मंदिरों को ढकवाने का काम किसने किया? 1955 में चाचा नेहरू, पार्टी कांग्रेस। यानी कि उनका किया हुआ काम गुलामों को नहीं दिखाया। तो गुलाम कहते किसे हैं? ऐसा व्यक्ति जो अपना दिमाग नहीं लगाए और उसका जो मालिक है, जिसके वो चर चाट रहे हैं, वो जो कुछ कह दे उसकी बातों को मान ले और वो उसी की भाषा में भौंकना शुरू कर दे। यही हाल है देश में। कुछ ऐसे भी मैंने कहा दरबारी मीडिया यानी गुलाम मीडिया है, जो खबरें दिखाते हैं कि मोदी फीते काट रही है, मोदी सरकार सिर्फ फीते काटने काम कर रही है, सारा काम कांग्रेस ने किया है। और देश के कुछ गुलाम मुझे ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मोदी सरकार तो कांग्रेस के किए गए काम को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस ने सारा काम करके रखा था, मोदी सरकार सिर्फ अपना नाम चमका रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अरे गुलाम मानसिकता वाले लोगों, जरा मुझे बताओ कि जब गाँवों में 3-4 घंटे बिजली आती थी, आज गाँव में 14 घंटे, तो क्या कांग्रेसियों ने 70 साल से बिजली बनवा के अलमारी के अंदर पैक कर दिया था या फ्रिज में लगा के लॉक कर दिया था कि एक दिन मोदी आएगा और दरवाजा खोलेगा बिजली गांव तक पहुंच जाएगी, 2 घंटे की बजाय 14 घंटे आएगी? देश में हाईवेज के नाम पर पगडंडी बनी हुई थी। सबको पता है कि देश में हमारे हाईवेज कैसे थे, पहले पगडंडी हुआ करती थी, आज हाईवेज उनसे 4 गुना, यानी 4 गुना से लेकर के 8 गुना तक चौड़े हाईवेज बन रहे हैं। तो क्या 70 साल से कांग्रेस पतले हाईवेज इसीलिए बनवा रही थी कि सारा कंक्रीट मटेरियल संभाल के रखो और एक दिन मोदी आएगा उसका सामान का इस्तेमाल करके उससे 4 गुना या 8 गुना चौड़े हाईवे बनवाएगा? जिस गति से कांग्रेस शासन काल में सड़कें बनती थी उससे भी कहीं ज्यादा, यानी यहाँ पे लगा दीजिए कि उससे भी लगभग 10 गुना ज्यादा स्पीड से आज सड़कें बन रही हैं। आप अभी भी कहेंगे कि कांग्रेस ने स्पीड जो है रेगुलेटर कम कर दिया था, ताकि जब चीजें बची रहेंगी तो मोदी आएगा रेगुलेटर घुमा देगा और सारे सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। आप ये भी कहेंगे कि जो आपको याद होगा, जो सिलेंडर्स हुआ करते थे, सिलेंडर्स लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, 2-3 दिन इंतजार करना पड़ता था, मालूम पड़ता था गाड़ी आई और गैस सिलेंडर खत्म। आज फोन करो और सिलेंडर लेकर के आ जाओ।
अब आप ये कहेंगे नहीं 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 कांग्रेसियों ने तो सारा काम किया था। हाँ मैं भी तो कह रहा हूँ कांग्रेस ने सारे सिलेंडर उठाकर के अलमारी में पैक कर दिए थे। मोदी ने अलमारी खोला बहुत सारे सिलेंडर बाहर आ गए। एक कनेक्शन लेने के लिए गैस का उसके लिए चक्कर लगाने पड़ते थे और आज हर गली गली में कनेक्शन देने वाले बैठे हैं। देश के गरीब व्यक्ति 70 साल की आज़ादी के बाद भी जो गरीब परिवार हैं उनकी जो माँ बहन है वो खुले में शौच जाने को मजबूर थी। मोदी ने आते ही सबको शौचालय बनवा दिया। अब आप ये भी कहेंगे नहीं 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 कांग्रेस ने तो शौचालय का सारा पैसा जो है इकट्ठा करके रखा था कि एक दिन मोदी आएगा और शौचालय का पैसा जो है उसका इस्तेमाल कर लेगा। आप ये भी कहते थे कि सेनाओं को हथियार खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसको बचा के रखो 70 साल से, एक दिन मोदी आएगा और सारा काम कर लेगा। ऐसे ही बहुत सारे किस्से इस देश में पड़े हुए हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो गांव था पिछड़ गांव में ऐसे गांव जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई और जिन गांव में बिजली पहुंची वो बांस के डंडे के सहारे पहुंचाई गई, यानी कि पक्के पोल्स तक नहीं थे गांव में बिजली पहुंचाने के लिए। और मोदी सरकार ने पूरे भारत के हर गांव में कोने कोने में पक्के पोल्स ट्रांसफार्मर के साथ बिजली पहुंचा दिया। 14 घंटे से अधिक बिजली आती है, प्रॉपर वोल्टेज आता है। लेकिन गुलामों का मानना ऐसा है कि भाई साहब मोदी सरकार जो है कांग्रेस के किए गए कामों को ही आगे बढ़ा रही है। क्योंकि गुलाम होता कौन है? गुलाम दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मानसिक गुलाम और एक दूसरा होता है शारीरिक गुलाम। शारीरिक गुलाम जो होता है उसकी गुलामी को गुलामी नहीं कहते क्योंकि वो उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकता है। लेकिन मानसिक गुलाम जो होता है वो अपनी गुलामी की जंजीरों को कभी नहीं तोड़ सकता है। जैसे आप मान लीजिए एक हाथी है, हाथी का जो हांकने वाला है जो महावत है उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो हाथी कंट्रोल कर ले, लेकिन हाथी ये मान लेता है कि वो उसका राजा है। हाथी उसका राजा है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है और उसी के सारे पर हाथी नाचता है। कुछ यही हाल इस देश के लोगों का है। इतनी बड़ी समझदार संख्या में समझदार लोग हैं, सबको पता है, लेकिन गुलामी इस कदर दिमाग पर भारी है। मैंने कहा कि शारीरिक गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं लेकिन मानसिक गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ी जा सकती। जो 70 साल से गुलाम पड़े हुए उन गुलामों को आप इतनी आसानी से कैसे उनकी गुलामी से बात कर देंगे? जब हाथी इतना बलवान होकर के वो मानसिक गुलाम है, हाथी जब अपने महावत से अलग नहीं हो सकता, उसकी आज्ञा के बिना जो कुछ कहे बिना वो हट नहीं सकता वहां से, तो फिर इन गुलामों की क्या औकात है? आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि इस देश में ऊंट तो बिस्लरी पहचानता है लेकिन गुलाम मानसिकता के जो लोग हैं, जो गुलाम मानसिकता के जो मीडिया है, जो दरबारी मीडिया जिसे आप कहते हो, मैं उन्हें गुलाम मीडिया कहता हूँ। रही बात गोदी मीडिया की, तो राष्ट्रवाद की बातें करना, सेना का सम्मान करना, शहीदों का सम्मान करना, देश के शौर्य का सम्मान करना, देश के साथ खड़े रहना, देश के हर दुख को अपना दुख समझना, अगर ये गोदी मीडिया कहलाता है तो मैं तो कहता हूँ कि उस गुलाम मीडिया से या गुलाम मीडिया बनने से अच्छा तो गोदी मीडिया ही है। अगर सच बोलना ही गोदी मीडिया कहलाना है तो आप गर्व कीजिए कि आप गोदी मीडिया हैं। लेकिन अगर झूठ बोल करके आप चमचों की चमचाई करना है, पार्टी विशेष के चरण वंदना करना है, आपको पता है कि गधा कुछ कर नहीं सकता है फिर भी उसमें घोड़े वाले कैरेक्टर ढूंढे जा रहे हैं, तो फिर ऐसे गुलामों का फिर मैं क्या पूरी भारत के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप चाहे गोदी मीडिया की बात करें या फिर उस गुलाम मीडिया की, लेकिन बात यही है कि 2014 से गोदी मीडिया लोगों की आंखों में चुभना शुरू हो गई है। क्योंकि सच जो है ना, जो राष्ट्रवाद है वो 2014 से ज़्यादा सामने आया है। उससे पहले कोई बात नहीं, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग थे, पार्टियों द्वारा उनका सम्मान होता था। जो गुलाम मीडिया है वो टुकड़े टुकड़े गैंग यानी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों को बुला करके उनसे इंटरव्यू किया जाता था, लेकिन गोदी मीडिया के राज में ऐसा नहीं हो रहा है। देश के दुश्मनों को उनको उस ठिकाने पहुंचाया जा रहा है जहां पहुंचाना चाहिए। बस यही बात, दरबारी मीडिया को रास नहीं आ रही, यानी गुलाम मीडिया को रास नहीं आ रही, और वो इतना बेचैन है गोदी मीडिया को लेकर, नए नए मीम्स नए नई बातें बनाना बनाते रहिए। सच कड़वा होता है, सच चुभता है। नीम का पत्ता कड़वा होता है लेकिन उसके जो गुड़ होते हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। बस अगर गोदी मीडिया आपकी नज़रों में चुभता है तो यकीन मानिए कि आप नीम का पत्ता जो है उसका सेवन कर रहे हैं। और आने वाले आपकी विचारधारा भी से गलत हो सकती है, लेकिन आने वाली आपकी पीढ़ियों के लिए ये जो सच है वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो गर्व कीजिए, आप गोदी मीडिया हैं, गुलाम मीडिया नहीं। क्योंकि आप उस व्यक्ति या उस काम की चर्चा कर रहे हैं
जो वास्तव में हो रहा है, और गुलामों की तरह आप उस कैटेगरी में नहीं है कि काम चाहे हो या ना हो आप उनकी चरण वंदना करते रहिए, उनके तलवे चाटते रहिए और आप उनके गुलाम बनकर घूमते रहिए। क्योंकि गुलामों की कोई जिंदगी होती ही नहीं है। गुलाम बेशक कुछ समय के लिए अपना नाम कर ले, लेकिन गुलाम तो गुलाम ही रहेगा, वो कभी भी अपनी जिंदगी जी खुल करके नहीं जी सकता, सच को सच और गलत को गलत। लेकिन दरबारी मीडिया गुलाम मीडिया कभी नहीं कह सकती, क्योंकि उनके खिलाफ जाएगी पत्रकारिता पर दाग लग जाएगा, दांव लग जाएगी पत्रकारिता पर। आपने देखा होगा अर्णब गोस्वामी के साथ क्या हुआ, सच बताने की सजा कहां तक चली गई। ऐसे ही है, अगर आप गुलामी करोगे तो आपके ऊपर उपकार बना रहेगा, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अगर आप उनकी पोल खोल दोगे, आप उनके मन की बात नहीं करोगे, तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, हमले किए जाएंगे। लेकिन शुक्र कीजिए आप एक ऐसी सरकार में जी रहे हैं जहां पर आपको बोलने की आजादी है। जिस तरीके से आप मोदी सरकार में मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, यदि देश में कांग्रेस सरकार होती और उन्हें कोई गुलाम मीडिया कह देता तो पार्टी या जिस पार्टी के लोग गुलाम मानसिकता लिए जी रहे हैं, वो पार्टी आप अगर उनकी विचारधारा को प्रोपोगेट करने वाली पार्टी के खिलाफ बोल देते, यदि आप कांग्रेस सरकार में उनकी मनचाही पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को गुलाम बोल देते, तो भाई साहब क्या सजा होती आप सोच भी नहीं सकते। यही अंतर है कांग्रेस में और बीजेपी में। युवा आप उसकी सरकार में उसकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस राज में आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को लगा कि जिंदगी को सेफ रखना है तो गुलामी बेहतर है, गुलामी करते रहो, उनके मन की बातें करते रहो, जो कहा जाए उसको प्रोपेगेंडा के रूप में दिखाओ, बस यही काम है। तो गर्व कीजिए आप गोदी मीडिया हो, गुलाम मीडिया नहीं। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।